हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जून मंथ में आने वाली टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज के बारे में। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर मैंने मूवी को रखा है जिसे आप थिएटर में जाकर देख सकते हैं, वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। यह एक एनिमेटेड मूवी, एक्शन एनिमेटेड मूवी होने वाली है और आपने इसका पहला पार्ट तो देखा ही होगा जो कि 2018 में आया था, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। यह उसी की सीक्वल है और मूवी उसी से जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से यह स्टार्ट होती है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी की खास बात यह है कि इसमें हमें एक अपना इंडियन स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। मूवी 1 जून को 10 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, तो आप देखना ना भूलें अगर आपको एनिमेटेड मूवी अच्छी लगती है। और इस मूवी में नंबर 2 पर जिस मूवी को मैंने रखा है वो है ट्रांसफॉर्मर। यह ट्रांसफॉर्मर सीरीज की 7वीं फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है स्टीफन कैपल जूनियर ने। और इस मूवी की कहानी भी कुछ इस प्रकार होने वाली है कि जैसे कि आपने देखा हो हॉलीवुड मूवी में ज़्यादातर होता है कि दुनिया खतरे में है और दुनिया को बचाना है, किस तरह से बचाना है, बस कोई एक्शन, सुपर एक्शन सब में अलग, कहानी सबकी एक। और यह मूवी 9 जून को तमिल, तेलुगू और अन्य भाषाओं में रिलीज होने वाली है, तो आप अगर हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते तो आप मूवी अवश्य देख सकते हैं। और नंबर 3 पर मैंने जिस मूवी को रखा है वो है डी फ्लैश। और डी फ्लैश यह डीसी की फिल्म है जिसका हम 2016 से इंतजार कर रहे हैं। यह मूवी पहले 2016 में रिलीज होने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से मूवी रिलीज नहीं हो पाई और फिर कोविड और फिर झगड़ा फगड़ा मूवी तब से अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। और अब इसकी फाइनल डेट जो भी आ चुकी है मूवी रिलीज होने वाली है, तो इसका ट्रेलर जो था लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। यह मूवी आप 15 जून से थिएटर में जाकर देख सकते हैं। और इस लिस्ट में नंबर 4 पे जिस मूवी को रखा है वो है एक्सट्रैक्शन 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट जो 2020 में आया था नहीं देखा है तो इस मूवी को देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मूवी को समझना है, इसकी कहानी को समझना है, तो आपको इसके जो 2020 में पहला पार्ट आया था पहले वो पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद इस मूवी को देखना है, तो मूवी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। फिल्म की कहानी कुछ इसी प्रकार की है कि जिस प्रकार पहले पार्ट में देखा था कि जो इसमें हीरोज है वो एक मिशन पर होते हैं, उसमें भी इनको इस और इसी प्रकार इस फिल्म में भी इनको एक नया मिशन मिला है जिस मिशन पे इन्हें जाना है और एक विलेन के कहानी घूमती रहती है। मूवी आपको 16 जून को सिनेमाघरों में दिखाई देगी और इसके साथ ही हमारे इंडियन मूवी आदिपुर रिलीज होने वाली, तो दोनों मूवी में काफ़ी टकराव देखने को मिलेगा। इसके साथ अगली मूवी की बात करते हैं जो इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है, वो मूवी काफ़ी अच्छी है। मूवी का नाम है इंडियाना जोनस एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी। इंडियाना जोनस फ्रेंचाइज की यह 5वीं फिल्म है जिसे जेम्स मैनगोल्ड ने डायरेक्ट किया है। और इससे पहले जो चार मूवी आई थी उनको डायरेक्ट किया था स्टीफन स्पीलबर्ग ने। और आप ये कह सकते हैं कि इंडियाना जोनस की यह पहली फिल्म है जिसको किसी अदर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। मूवी 30 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 30 जून को ये मूवी आने वाली है। और तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनसे कौन सी मूवी का वेट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।